तो रुपेश जी, आप बस आज का एजेंडा हम बता दीजिए जरा सा, क्या क्या बात होगी। काफी बार जो शो चले, काफी आपने कमेंट्स उसमें की और आपने देखा भी कि जिस तरीके से बोग बाबू ने एक एक सेकुलर बात को उन्होंने दिखाया सरल तरीके से, और इसके बाद उन्होंने दिखाया कि आज जो युवाओं की सोच है वो कितनी गहरी है और वो कितना हिंदुत्व को बिल्कुल, समझ पा रहे हैं कितना और कहाँ खड़े समझदार हो हैं। गया, कितना सेक्युलर यापा सब तरफ छा रहा है। तो आज का बेसिकली जो सेशन है उसमें हम हमारे चैनल पे आने वाले जो कंटेंट्स है उसके विषय में आपसे हम सुनेंगे। तो और आपके कुछ फीडबैक जो आपने पिछले वीडियोस में किया है, तो ऐसे कुछ कमेंट्स भी हम लेंगे, उसके रिप्लाई भी देंगे। दोस्तों, तो काफी बार हम लोग क्या है तीखे और कई तरह के हम सवाल जवाब लेकर आते ही रहते हैं, लेकिन कई बार सवाल उठते हैं कि भाई ये जो सब्जेक्ट है वो बाबू, और जिस तरीके से सरल तरीके से ये अपनी विचारधारा को जैसे रखते हैं, गैंगस्टर से कभी चर्च, कभी योग वशिष्ठ पे आते हैं, कभी सरल तरीके से जो हिंदुत्ववादी मुद्दे हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बीच में आपने नहीं पर वो आज वो बाबू पे नहीं है, आज ओवरऑल चैनल पे कंटेंट है। तो देखिए, कुल मिला के आपने एक पैटर्न नोट किया होगा कि पिछले कुछ समय से हम लोग चैनल में वैरायटी ऑफ कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मतलब ज्यादातर हमारे चैनल पे केस रिलेटेड चीजें आती हैं, पर अब हम काफी हिंदुत्ववादी मुद्दों को भी लाना चाहते हैं। तो आप लोगों के कुछ हम चैट्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपके कुछ चैट्स हो तो प्लीज यहाँ पे आपके चैट्स में लालिए, लाइव चैट्स में हम उसका जरूर जवाब देंगे। काफी लोग जब हम देखते हैं कि जब आपके शो बनते हैं और उसमें जो हिंदुत्ववादी मुद्दे आप कई समय से रख रहे हैं, मतलब 2-3 एपिसोड आपके कंटिन्यू हिंदुत्ववादी रहे, जिसमें से सबसे ज्यादा तो बचपन वाला वो प्यार और उसको सीएम ने प्रमोट किया, उस पर आपने एक टिप्पणी की थी और बहुत सरल तरीके से समझाया था, तो काफी लोगों ने उसको देखा। लेकिन इस चैनल में जो हिंदुत्ववादी लोग भी जुड़े हैं, संतों के प्रेमी भी लोग भी जुड़े हुए हैं। लेकिन रिक्यूबेश देखिए, एक बात तो है, कुल मिला के हमारे चैनल पे हम कुछ ऐसा हिंदुवादी कंटेंट लेके आते हैं जिसमें बापूजी का चीज ना हो, लेकिन एक कॉमन हिंदू का वो मैटर हो, तो उस कंटेंट पे व्यूज नहीं आते उसमें। जैसे कि आप स्टूपिड कॉमन हिंदू देख लीजिए, स्टूपिड कॉमन हिंदू में हमने एक्सपेक्ट किया था कि काफी ज्यादा इसका रीच रहेगा, क्योंकि जो मुद्दा है वो काफी बर्निंग मुद्दा है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से 6,000 जितने व्यूज आए हैं राइट अभी हमने उसमें। और तो मैं आप दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि आप लोग मतलब एक जो मेन स्ट्रीम हिंदुत्व के मुद्दे हैं, जो मेन स्ट्रीम हर जगह सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, तो आप लोग उस तरह के मुद्दों के कंटेंट्स को पसंद क्यों नहीं करते हैं भाई? क्या कारण है? हमारे ओर से कोई कमी है या आप चाहते हैं कि कुछ और तरह से हम उसे बनाएं? प्लीज आपके चैट्स में बताइए। जी, अभी यहाँ पर कुछ लोग ओम ओम लिख रहे हैं, जय हिंद भी लिख रहे हाँ हैं, जी, जय हिंद, ओम ओम ओम, अच्छी तो बात है, इसमें जय क्या श्री है राम। कि काफी बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी विचारधारा को एक दिशा में ही ले जाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो हम अपेक्षा रखते हैं क्रांति युद्ध से हमको वही मिलता रहे। दोस्तों, क्या होता है, देश में बहुत सारे लोग जो अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम भी उनसे जुड़े, हम लोग भी चाहते हैं कि उन तक हम अपने कंटेंट को पहुंचा पाए, उनसे हम जुड़ पाए, तो भी क्या होता है कई बार हिंदुत्ववादी मुद्दों को सरल तरीके से हमको चैनल में रखना होता है, जिससे कि हम उनके साथ अपनी विचारधारा को समन्वय बैठा कर उनसे भी हम कुछ बातें शेयर कर सकें, तो कई चीजें होती हैं। अब आप उस समय पहले मेरे से भी कई बार सवाल कर रहे थे कि कारण क्या है व्यूज ना आने का, तो क्या मांग है लोगों की, क्या चाहते हैं भाई, लोग। हिंदू संतों पर अत्याचार जी, किसने हो रहा है, उस पर सीधी बात। देखिए क्या है, क्या है कंटेंट? जी हाँ जी भाई, हिंदू संतों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर सीधी बात क्यों नहीं होती? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे चैनल पे हिंदू संत पे अत्याचार हो रहा है, इस पे कंटेंट भरा हुआ है, तो आपकी बात ये सही नहीं है। आप हमारे चैनल के कंटेंट्स को देखिए पूरी तरह से, कि हमारे 99% कंटेंट्स तो उसी पे हैं, और स्पेसिफिकली बापूजी पे जो अत्याचार हुआ है उसी पे भरा हुआ है कंटेंट है। अब एक सिंपल सी चीज आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी चीज को लोगों के सामने रखते हैं तो उसका एक तरीका होता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम बापूजी की बात करें कि भाई मैक्सिमम लोग, हमें पता है कि बापूजी के साधक है मैक्सिमम लोग इसमें जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और कुछ नॉर्मल हिंदू भी हैं, लेकिन आप किसी भी चीज को अगर इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बापूजी को ही हर चीज में डालो, हर चीज में बापूजी को डालो, तो आपके कंटेंट की वैल्यू फिर घट जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई चलो ये तो बापू जी, इनको पैसा देते हैं, ये पेड उनके फॉलोअर्स हैं, तो भाई इनके कंटेंट का क्या वैल्यू है। इसीलिए कंटेंट पे वैरायटी बहुत जरूरी है। और रुपेश भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जी जो हमारा मेजोरिटी जो सुप्रचार चल रहा है ना 8 साल से, हम यही कर रहे हैं,
बापूजी का ही नाम डालो डालो, हर चीज डालो, कुल मिला के हमारी जो कम्युनिटी हो गई है बेसिकली। मैं आपकी भाषा को ना सरल रूप से अपने क्रांति योद्धाओं को समझाना चाहता हूँ कि देखिए इस क्रांति युद्ध में जुड़े हुए सभी योद्धा हैं अपने आप में, वो अपने आप में काफी सहूलियत रखते हैं और जब भी कंटेंट उसमें जाता है तो वो शेयर भी करते हैं। ये जो भाषा इन्होंने बताई उसको मैं और सरल तरीके से आपको बता दूं कि क्या होता है कि हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं आवाज, जो व्यक्ति अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो लोग जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, तो उन तक हम अपना कंटेंट कैसे पहुंचे। तो क्या होता है कि कुछ बातें हमें उनकी भी रखना होती है। फिर क्या होता है कि हम अधिकांश जो जिस तरीके से आपने बताया कि चैनल्स में कंटेंट तो संत आसाराम जी बापू का और संतों का सब, हम उसके पक्ष में हमेशा कंटेंट लेते ही है, चाहे वो जैसी बातें हो हम उनको प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जैसे कि बीच में आपने एक शो बनाया था जिसमें से पूरा दिखाया है किस तरीके से अश्लीलता फैलाकर उसको प्रमोट कौन कर रहा है, सीएम बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, तो किस तरीके से वो दर्दनाक कहानियां हैं, वो दर्दनाक हिस्से हैं। तो दोस्तों इस तरीके के हम छोटे छोटे कंटेंट जिस तरीके से बॉक बाबू आपके माध्यम से लाकर आपको एक सरल तरीके से समझाते हैं सेकुलर का एक चेहरा लेकर, तो काफी शिकायत रही इनकी मेरी नहीं, मतलब एक जनरल चीज है कि मतलब हमारा कंटेंट की जो रीच होनी चाहिए, कुल मिला के आप देखो बहुत लोगों का ऐसा है कि भाई हमें बापूजी को बांटना है, यही है मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो हमारे व्यूअर्स है वो उनका यही कंटेंट है। पर आप ये बताइए कि आप मतलब आप जब तक ये जो जंग है बापूजी को बाहर लाने की या फिर कुछ भी है, जब तक ये कॉमन हिंदू का एजेंडा नहीं बनेगा तब तक आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। 8 साल में आपको क्या सक्सेस मिला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ रुपेश भाई, हमारा सक्सेस रिपोर्ट क्या रहा है? एक तो मैं जो सबसे ज्यादा मैंने एनालिसिस किया है, मैं दोस्तों सबसे एक शॉर्टकट में बात बताना चाहता हूँ, संत आसाराम जी बापू के फॉलोवर्स इस तरीके से आशा रखते हैं अपन लोगों से ज्यादा, तो मेरे से भी आशा रखते हैं, लेकिन ये जो प्रकरण है संत आसाराम जी बापू का, ये गुरु और शिष्य तक ही सीमित रह गया है। आज समाज के लोग इन तमाम बातों में अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि तो इन लोगों का सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या होता है कि चार बातों के साथ उनके साथ जब ये हिंदुत्ववादी मुद्दे, या बापू जी ने वास्तव में हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ किया है और लोग आज उनकी जवाबदारियां नहीं समझ पा रहे, तो आज जो हमारा शो है और आपके बीच जो हमारी बातचीत चल रही थी और आप लोगों के बीच जो हमारी बातचीत चल रही है, तो जिस तरीके से शो को हमने प्रमोट किया है क्रांति चैनल में और बहुत ही मेहनत करने के बाद कुछ हिंदुत्ववादी कंटेंटों को आपके सामने रखते हैं, तो वो कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। और देखो होता क्या है, आप हमारे योद्धा हैं, जब तक उस कंटेंट को आप लोग शेयर नहीं करेंगे, और जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, हम इस टाइप का कंटेंट आपके साथ क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप लोगों को और जो हिंदुत्ववादी ग्रुप है उनको में आसानी से वो कंटेंट आप शेयर कर सके, उनको आप अपनी विचारधारा शेयर कर सके सरल तरीके से। अभी जो शो जो हमारा चल रहा है बोक हिंदू, और उसमें काफी हम हिंदुत्ववादी मुद्दे भी लाएंगे, और जिस तरीके से बड़ा प्रयास रहता है कि आप लोगों को एक सरल भाषा में वो सब चीजें समझाई जाए। जी आप जैसे बताइए, अभी जैसे रिसेंट में बहुत सारे लाइव डिस्कशन, एक तो बता दीजिए जो अनुराग शर्मा जी देख सके, जिसमें जजमेंट पे काफी डिटेल डिस्कशन हुआ है, एक्सपर्ट ओपिनियंस दिया गया है, ऐसा कोई एक दो बता दीजिए जो वो देख ले लेकिन अगर हम जब बात करते हैं, अभी हम इसके पहले हमने जो दो एक डिबेट की थी इसके पहले भी, और उसके बाद भी हमने एक डिबेट और की थी, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें भी बहुत सारे तरीके से हमने बताया था कि क्या प्रारूप है, और अभी हमारी लड़ाई बहुत खतरनाक तरीके से होने वाली है, आने वाले जो चरण है वो किस तरीके से पैंतरे पर हमको युद्ध लड़ना पड़ेगा अगर अपने आपको इंसाफ की मांग करना है, तो ये हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और आगे हम सिस्टमैटिक तरीके से उसके लिए आएंगे, तर और ताजा होकर हम आपके बीच में आएंगे, और हम फिर नई डिबेटों के साथ, नए मेहमानों के साथ आपके तमाम सवालों को रखकर उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ देखिए एक कमेंट आया है बहुत अच्छा, मासूम शर्मा जी का आया है कि हमें अपने हिंदुओं को जगाना है, ना कि दूसरों की बुराई करनी है, ना दूसरों को गिराना है, तो ये कमेंट दिखा दीजिए। हाँ तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि दो चीजें होती हैं, एक होता है कि मैं बुराई कर रहा हूँ, जैसे रुपेश भाई आप तो बहुत बेकार व्यक्ति हो, आप ऐसे फालतू व्यक्ति हो, ये एक बुराई करना होता है, लेकिन अगर कोई बुराई कर रहा है उसको हम लोगों के सामने लाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपोज करना। तो हमारे चैनल पे हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, हम एक्सपोज करते हैं। आज देखिए, आज अगर आप मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म से जुड़े हैं, अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ट्विटर को देखते हैं, न्यूज को देखते हैं, तो आपको ये चीज, ये सवाल ही आपको नहीं आ सकता है कि बुराई नहीं करनी चाहिए। आज देखो आप, आज जो भी ये सेक्युलरिज्म के नाम पे चल रहा है, ये क्या चल रहा है रुपेश भाई बताइए,
तमाशा है तमाशा चल रहा है। सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू संतों को बदनाम किया जाता है। आज कोई भी किसी भी लड़की का रेप हो जाता है, मैं इतना सेंसिटिव टॉपिक ले रहा हूँ, तो उसके बाद पता है क्या क्या किया जाता है? ये नहीं देखा जाता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है, ये देखा जाता है कि रेप किसने किया है। चलो किसी ब्राह्मण ने किया हो तो वो मैटर को ज्यादा ऊपर ऊपर उछालो। ये सेक्युलरिज्म पे नाम पे जो धतिंग चल रही है ना, इसको हम एक्सपोज करना चाहते हैं, यही हमारा मिशन है। और देखिए बेसिकली कईयों ने मुझे बोला था रुपेश भाई कि भाई आप वो सेक्युलर भाईजान बन के आते हो तो मुसलमान का करते हो, तो हम मुसलमानों का मजाक उड़ाते हो। आप वास्तव में अगर गौर से देखेंगे ना तो उस व्यक्ति ने क्रॉस भी पहना हुआ है और तिलक भी लगाया हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मुसलमान को या एक कम्युनिटी को बुरा करते हैं। हमारा जो विरोध है वो किसके खिलाफ है? वो सेक्युलरिज्म के नाम पे जो हिंदू धर्म को बदनाम करते उनके खिलाफ हमारा ये जंग है। तो इससे आप कृपया समझें, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। और अपना अंतःकरण देखिए, सबसे पहला जो बापू जी की शिक्षा है, सबसे पहले जो बापू जी ने संदेश दिया है कि किसी के प्रति बुराई रख करके अपने चित्त को हम गंदा ही करते हैं, उसका हम कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन इसका लोग मिसयूज करते हैं। फिर इसीलिए ऐसे लोगों को एक्सपोज करना वो हमारा कर्तव्य है। और बापू जी ने भी सत्संग में कई बार किया है, यदि आपने सत्संग सुना होगा तो कितनी बार अकबर के बारे में जो प्रसंग बताते हैं बापू जी बताते ही हैं जी, कितनी बार किया है आपने देखो, कृष्णा मिशनरीज के लिए बापू जी ने कितनी बार एक्सपोज किया है। अब हम बोलेंगे कि बापू जी उनकी निंदा कर रहे हैं, जी नहीं, वो जो अपने आप को जो बहुत शरीफ दिखा रहे हैं समाज के सामने और अंदर उनका चेहरा क्या है, ये साधु संत और हमको एक्सपोज करने का कर्तव्य है। और आज तो साधु संत बाहर आते तो उनको जेल में डाल देते, तो काम ये कौन करेगा आप बताइए। क्रांति योद्धाओं को कुछ बातें और बताना चाहता हूं। दोस्तों हमारा ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सार्वजनिक रहा है और इसमें काफी हम तथ्य रखकर अपने इंटरनल मैटर को, संतों के इंटरनल मैटर को भी हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम आपको विश्वास दिला दें कि आने वाले कुछ ही चरण में हम ऐसे ऐसे एक्सपोज आपके सामने रखेंगे कि आप भी जानकर आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हिंदुत्व जिस तरीके से खड़ा हुआ है, उसके बेसमेंट में जो संत आसाराम जी बापू ने अपने हाथ लगा के रखे हैं और जिसके आधार पर आज हमारा हिंदुत्व 21वीं सदी में टिका हुआ है, उसके मूल में कौन है और उसके पीछे जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो लोग कौन है, हम उस पर भी पूरा खुलासा करेंगे। तो हमारा एक क्लू रहता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि इस टाइप के शो के माध्यम से, बॉक हिंदू और जो सरल भाषा में आप जो लेके आते हैं शो, उसके माध्यम से हम काफी हिंदुत्ववादी लोगों से जुड़ना चाहते हैं और हमारे जुड़ने के सेतु आप लोग हैं, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट जब आप उन लोगों तक शेयर करते हैं तो आपको भी उन तक जोड़ने में, उनको लोगों को जोड़ने में सुविधा होती है, क्योंकि आप सरल तरीके से हिंदुत्व की सब्जेक्ट को वहां पर रखते हैं तो वो लोग भी उस टॉपिक को समझते हैं और वो हमारे चैनल्स में आते हैं। जब वो हमारे चैनल्स में आते हैं तो फिर और भी कंटेंट देखते हैं। तो जब क्रांति युद्ध में वो देखते हैं तो जब पाते हैं कि संत आसाराम जी बापू के विषय में बहुत सारे ऐसे कंटेंट है तो उनका भी माइंड क्लियर होता है। देखिए एक और कंटेंट, मैं इस कंटेंट को मत दिखाई, इस कमेंट को मत दिखाएगा, अच्छा एक कमेंट आ गया, इस कमेंट को मत दिखाएगा कि रवि जी का कमेंट आया है, वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। और उनका ये कहना है कि मतलब ये कहना है कि भाई आश्रम वाले कर रहे हैं वो। देखिए मैं आपको सही बताता हूँ रुपेश भाई, आप लोग बुरा मत माना जो भी हमारे ऑडियंस है, मैं थोड़ा फ्रैंक बोल रहा हूँ आपको। हमारे 8 साल का जो मेहनत रही है ना, हमारे 8 साल की जो सुप्रचार का जो भी चीज है उसका आउटपुट पता क्या है? बाबू जी का तो खैर छोड़ दो आप, आउटपुट यही आया है कि आश्रमवासी गद्दार है, फलाना संचालक ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, यही करने पे पड़ा हुआ है। आज भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखो 99% कन्वर्सेशन तो इसी पे होता है, फलाना गद्दार है। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, जो आश्रम का मैटर है ना बापू जी, सिर्फ आश्रम की इमारत नहीं है ये, हमारे आपके कॉमन जो भी व्यक्ति है, हर एक हिंदू के संत है बापू जी। ये आश्रम की कोई ठेका नहीं है कि आश्रम वाले ही इसमें करेंगे, आप हम बैठे रहेंगे क्या? सबका कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है ये कि बापू जी के लिए कुछ करे। और पहली बात जो रही बात आश्रम की है, कहीं किसी संस्था की है, तो एक बात ये समझ लीजिए कि आश्रम के जो भी संचालक है वो उनको बापूजी ने रखा है। आप कितना भी सोशल मीडिया पे कर दो, आप वीडियो बना दो, फेसबुक पे लोग वीडियो बना रहे हैं जाके कि ये ऐसा है वो वैसा है, आप कितना भी कर दो, जब तक बापूजी उनको नहीं हटाएंगे वहां से आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं कि काफी बातें हमने आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाए हैं कि संत आसाराम जी बापू आज जो जेल में हैं उनके पीछे क्या क्या कारण है, कैसे कैसे कारण है। तो आप लोग जो विचारधारा रखते हैं तो उसके सॉल्यूशन आप लोग अपने स्तर पे सब कर रहे हैं और आप लोग जिज्ञासावश सवाल जवाब भी रखते हैं, जिज्ञासावश आप लोगों के उत्तर के जवाब भी मिलते हैं, कभी कभी संत आसाराम जी बापू भी आपके सवाल के जवाब भी देते हैं। तो और हम भी आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और हमने आपको कई बार संकेतात्मक रूप से बताया भी है कि बड़े पैमाने में जब षड्यंत्र होता है तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी सैन्य होती है, तो उस पर काम करना। और उस पर ये चीज हम और बता दें, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ कि जंतर मंतर में खुद गया था कवरेज करने के लिए,
अश्विनी उपाध्याय जी वगैरह और जो सब लोग वहां पर थे बॉडी में, जो अभी समान कानून लाने की जो बात कर रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून कर रहे थे, तो मैंने वहां पर खुद देखा कि वहां पर जो 8,000 की मेजोरिटी के जो हिंदुत्ववादी लोग आए थे, पूरे देश भर से आए थे, और सारे लोग अपने आप में बुद्धिजीवी थे और वो मांग कर रहे थे, वो सरल रूप से मांग कर रहे थे। उनकी यही मांग थी कि कानून जो बने हुए हैं गलत दुरुपयोग हो रहा है, उनको बंद किया जाए। बीच में क्या हुआ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ, उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ बापूजी हैं और कैसे भूमिका हो रही। बीच में कुछ लोग ऐसे घुस गए कि सीधा उन्होंने नारेबाजी लगाना चालू कर दिया कि देश के गद्दारों को वो करो फालों को, ऐसे ऐसे करने लगे सब। और वो वीडियो का उन्होंने एक रेफरेंस लेकर सीधा केस कर दिया, सभी लोग अंदर चले गए और वो उस मिशन को उन्होंने दबाने की पूरी कोशिश कर दिया। सोचो, तो मतलब बीच में काफी लोग ना लाभ उठाएं और उस पर भी हम अपनी पहनी निगाहें रखें। शत्रु को मैं तो सीधा एक नारा देता हूं, छीन लेंगे ये जमीयों ये आसमा, जो गद्दार हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनको एक्सपोज भी करेंगे और धीमे धीमे सबके सामने नकाब भी रखेंगे। क्रांति युद्ध में आप देखते रहेंगे, कुल मिला के इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं। जी, जनता मंत्र पे जो मूवमेंट हुआ, एक हिंदुइज्म को रिलेटेड हुआ, तो ये क्या, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप लोग केस रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि बहुत वो कंट्रोवर्शियल चीज भी हो जाता है। और वो केस रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ना आज हम दोस्तों एक चीज बता रहे हैं आपको कि मैं केस रिलेटेड आपके सवाल जवाब देने के लिए कंटिन्यू रहूंगा आपके साथ, फिर से डिबेट रखेंगे उसके लिए स्पेशल, और उसके लिए मेहमानों के साथ आपके साथ सवाल जवाब करेंगे। तो ये तमाम बातों में हमारी क्रांति योद्धा बड़े जागरूक रहते ही है। जी हाँ, रहते हैं, परंतु फिर भी रुपेश भाई मैं तो कंप्लेन करूंगा कि और भी जागरूक होने की जरूरत है। आप लोग कुल मिला के हमारे लोग जो है, जहां तक मैंने देखा है, वो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म के मुद्दों पे उठते ही नहीं है। किसी के ट्विटर के हैंडल से केवल अगर बापूजी पे कोई इवेंट होता है तो वही ट्वीट जाता है, बाकी दूसरे जो मुद्दे हैं। एक बात बताइए, धर्मांतरण आपका मुद्दा नहीं है क्या? आपको किसी ने आपको एक अच्छी मुद्दे दिए, हम लोग हिंदुत्व वाली मुद्दा। देखिए, एक बहुत अच्छा कमेंट दिया अनुराग शर्मा जी ने, द कन्वर्जन मूवी, और हार्दिक भंडेरी जी ने भी किया। हार्दिक भंडेरी जी का भी कमेंट है जो हम अभी इसके बाद लेंगे, बट एक बहुत अच्छा मुद्दा दिया है अनुराग शर्मा जी, आपको धन्यवाद है, आपको प्रणाम है, आपको साधुवाद है, आपने ये मुद्दा लेके आया। ये मैं बोलने वाला था रुपेश भाई कि देखिए कमेंट्स को देखिए। हाँ, तो द कन्वर्जन मूवी आ रही है, ऐसी बहुत सारी मूवीज हम लोगों को पता नहीं रहता, आप बता दिया करें अपने चैनल पर। जी हाँ, हमारा ऐसा प्लान था कि उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। देखिए एक्चुअली क्या था ना कि ये पहले तो बहुतों को मैं बता दूं यहाँ कि द कन्वर्जन करके एक मूवी आ रही है, अगर उसका ट्रेलर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, हम अपने लिंक में डाल देंगे। उस मूवी पे लव जिहाद पे कंटेंट बनाया गया है, पहली बार हिस्ट्री में रुपेश भाई, पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में किसी ने हिम्मत किया कि लव जिहाद पे कोई फिल्म बना सके, और सच्चाई। जी हाँ, बड़े पैमाने पे, और ऑब्वियसली बॉलीवुड मुंबई में तो पॉसिबल नहीं था, तो ये यूपी में ही बनाया गया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये फिल्म के ट्रेलर को जरूर देखिए और इस फिल्म को भी देखिए। और एक्चुअली फिल्म को देखना ना देखना वो मैं अभी फिलहाल नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि शिकारा फिल्म बनी थी, उसमें क्या हुआ था, कश्मीरी पंडितों पे बनाया था, लेकिन उसमें जितना जो चीज था, जो मेन चीज था, जो अत्याचार, वो तो दिखाया ही नहीं कुल मिला के। तो द कन्वर्जन फिल्म आने दीजिए, उसके बाद जो उसका रिव्यू होता है उसके बाद हम लोग इस पे देखेंगे। लेकिन मैं बेहतर बोल रहा हूँ कि दर्शकों का जिस तरीके से है, तो आप अपने शो में एक बार उस पर रिव्यू और उसके कुछ जो आपको कंटेंट मिले उनसे बातचीत करके आप एक छोटा सा ओपिनियन। जी हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो द कन्वर्जन मूवी पे हम एक देखते हैं, प्लानिंग में तो है ऐसा कि द कन्वर्जन मूवी का, तब तक आप लोग देखिए। और बेसिकली दो मेन, मैंने जब तक पिछले बार देखा था उसमें सब 2 मिलियन व्यूज आए थे। तो देखिए आप एक बात समझ लीजिए, बॉलीवुड जो होता है ना, कोई भी फिल्म बनाता है, वो बेसिकली एक बिजनेस है, वो कोई समाज सेवा नहीं है। वो पैसे बनाने के लिए उनको जरूरत होती है पैसे की, क्योंकि इतना करोड़ों पैसा लगता है। और देखिए, जो भी हिंदू, जो भी दूसरे धर्म में जिस पर मजाक उड़ाया जाता है और हमारे हिंदू को बुरा दिखाया जाता है, उस पर तो विदेशी फंडिंग होती है, तो उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है आराम से। लेकिन कोई हिंदूवादी फिल्म बनाता है तो उसको ऐसे तो अपोज तो इतना मिलता है, वो हमने अपने एक लाइव चैट किया था, लाइव शो में बताया था, इतना अपोजिशन किया जाता है और उनको भी पैसे कमाने हैं। तो अगर हिंदू लोग, हम लोग बेसिकली ऐसे फिल्मों के लिए मार्केट क्रिएट नहीं करेंगे तो ऐसे फिल्म कौन बनाएगा, आप बताइए। बिल्कुल सही बात। तो हर तरफ से आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी इस तरह का कंटेंट आएगा। जैसा मार्केट क्रिएट होता है उस तरह का कंटेंट लोग लेके आते हैं। तो आप इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए। पहले तो आज मैं आपसे सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने भी आज ये चैट में आए हैं और जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है या चैट में बाद में हमारे रिप्ले को देखेंगे, तो आप द कन्वर्जन का ट्रेलर को जरूर देखिए। कम से कम 2 मिलियन व्यूज कुछ नहीं रुपेश भाई, दूसरे जो फिल्म आते हैं उसमें तो क्या 100-100 मिलियन व्यूज आराम से चले जाते हैं। हाँ, तो पहले मैं क्लियर कर दूं, फिर से मैं बोलता रहा हूँ, कोई लोग अभी जुड़ रहे चैट से, सबको राम राम नमस्कार, कि जो सेक्युलर भाईजान है वो कि हिंदू का मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो क्रिश्चियन का मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो एक किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो एक विचारधारा का मजाक उड़ा रहा है जो अपने आप को सेक्युलर दिखाता है, लेकिन जब हिंदुओं के लिए जब बदनामी करने की बात आती है, हिंदू धर्म को बदनाम करना होता है, तब उनका सेक्युलरिज्म चला जाता है। लेकिन जब कुछ
जब ऐसी कोई बात आती है तो उनका सेक्युलरिज्म खड़ा हो जाता है, मतलब जैसे हिंदू लोग जाग जाते हैं तो उनका सेक्युलरिज्म फिर शुरू हो जाता है। इसलिए हमने उसको एक वर्ड दिया था, सेक्युलर यापा वर्ड दिया था। ये एक गाली पे बेस्ड है, बट ये गाली नहीं है। इस तरह का सोशल मीडिया पे क्रिएटिविटी हर जगह आपको मिल जाएगी। और तब तक एक दूसरा कमेंट ले लीजिए, हार्दिक बंदेरी जी का कमेंट लीजिएगा। इतना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ नजरों के सामने है, एंटी हिंदू मूवीज वेब सीरीज बन रही है, फिर भी इसके ऊपर कोई कंट्रोल क्यों नहीं है? तो देखिए हार्दिक भाई, पहले रुपेश भाई, आप इस पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे बताइए। कंट्रोल क्या, देखिए पूरा प्लान शुरू से ही चल रहा है। जब देश आजाद हुआ उसके बाद जो एक मोहरा बनाया गया फिल्म इंडस्ट्री को, पहले जब पहली फिल्म बनी थी तो पता है कोई स्त्री उसमें रोल करने के लिए तैयार नहीं थी, तो पता है एक आदमी को स्त्री बनाकर उसको पहली फिल्म में लॉन्च किया गया, आप देख सकते हैं। तो धीमे धीमे चरित्रहीनता की ओर लोग ढकेले गए और बाद में अभी तो हम इस कदर में आ गए हैं कि हम अपने हमारे पिताजी के सामने हम बड़े डरते थे कि हम कुछ अश्लील बात ना बोल दें, और आज सीएम के सामने एक बच्चा गाना गाता है सोनू मेरी डार्लिंग, तो सीएम उसको प्रमोट करता है, उसके बाप प्रसन्न होते हैं, उसके माँ बाप प्रसन्न होते हैं, प्लस उसको रुपया मिलता है। तो आने वाले समय में जो तो इस जनरेशन तक हमको ढकेल दिया है, तो वो लोग चाहते हैं कि भारत को कमर तोड़ी जाए, युवा को चरित्रविहीन कर दिया जाए। पंजाब की जो नस्ल देखें ड्रग्स और अश्लीलता में इतनी डूब चुकी है कि वहां पर अच्छे युवाओं को प्रमोट करना और अच्छी युवाओं तक ला पाना बड़ा कठिन है। इतनी बड़ी आबादी में एक स्वर्ण पदक लेके आता है तो पूरा देश गर्व करता है, जबकि हमारी आबादी कितनी बड़ी है, चीन से ज्यादा बड़ी है, कोई कोई देश 40-40 अवार्ड लेके आए। तो क्या हमारे देश को ढकेलने का पूरी साजिश पे चल चुकी है प्लानिंग? और हमारे देश की जो 60% रीढ़ की हड्डी है युवा, उसको चरमराने के का माध्यम बन चुकी है फिल्म इंडस्ट्री। इस पे बहुत फंड लगाया गया है, अब वो फंड अंडरवर्ल्ड विदेशी कंपनीज एनजीओज जो हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनियों के पीछे जो 13 बाप दादाओं के परिवार बैठे हुए हैं वो भी भारत को तोड़ने का प्लान इस तरह का चलता रहता है, तो कुल मिलाकर कमर टूट। अब इसमें मैं अपने कुछ दो सेंस डालना चाहूंगा कि देखिए, पहले तो ये जो आपने बात की है कि भाई रेगुलेट क्यों नहीं हुआ जाता है, तो अभी एक मैंने सुना है, न्यूज में आया था कि कुछ एक बिल ड्राफ्ट में है जिससे कि जैसे अब सेंसर बोर्ड है, अभी उधर से कुछ पास हो जाएगा तो भी एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनने का प्लान है जो कि कंटेंट को सर्टिफिकेशन करेगी कि भाई ये चीजें किस किस किन लोगों के लिए। पर एक चीज आप ध्यान रहे कि आप ऐसा कोई भी कानून नहीं लेके आ सकते हैं हमारे संविधान में जो कि ऐसी फिल्में बनने से रोक सके। ये सिर्फ आपको एजिटेशन के द्वारा ऐसे फिल्मों के कंटेंट को रोकने के द्वारा, इनको सपोर्ट न देने के द्वारा ही आप कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून इंडिया के कौन से कानून की फिल्म बने, आपको दूसरे तरह से इसको करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। दूसरे तरीके से मतलब आपका हाँ। एक वही रूप है, आपको जागरूक बनना हाँ। पड़ेगा अपने परिवार के प्रति। बिल्कुल सही बात, आप अपने अपनी महिमा को समझे और अपने परिवार के रक्षक आप हैं। कभी कभी काम करने तो हार्दिक जी के कंटेंट का जवाब इन्होंने ही दे दिया। एक बात तो है, जब तक एक एक हिंदू जागेगा नहीं तब तक बाकी सब बेकार है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक हम लोग जागेंगे नहीं, कानून के द्वारा नहीं होगा। देखिए हमारा कानून सेक्युलर है, माने धर्म निरपेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष है तो इसका मतलब कि वो धर्म का सहारा कभी भी कानून के द्वारा आपको नहीं मिलने वाला है। ना तो ये क्रिश्चियनिटी के लिए है, ना तो ये इस्लाम के लिए है, ये कानून कभी भी धर्म का। हालांकि इंडिया में तो उल्टा ही हो रहा है, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो उल्टा ही हो रहा है, कानून का उपयोग करके अपने धर्म को ही बदनाम किया जा रहा है, और दूसरे धर्मों के लिए बहुत बोलते हैं कि हम सेक्युलर सेक्युलर है। तो वर्चुअल सिग्नलिंग उसको बोलते हैं कि भाई दम सिर्फ आपको दिखाना है तो हिंदुओं पर ही दिखाइए, बाकी दूसरे तो जो करना है करें, करते रहे, क्या फर्क पड़ता है जी। तो हमारी डिबेट क्या है, लंबी और जा रही है, तो हम अभी कुछ सार पॉइंट ले लेते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल को आप लोग फॉलो कर दीजिए ताकि हमारे कमेंट्स आपको मिलते रहे, और एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया है जिसमें हमने आपको नंबर दिया है, वहाँ उस पर मैसेज कीजिए तो हम आपको उस ग्रुप पे जोड़ देंगे, ताकि आपके फीडबैक की आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं और आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है, अथवा कोई कमेंट पे आपका फीडबैक है, इस तरह की चीजें आप हमें सजेस्ट कर सकें, तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो इन सब में आप आइए, और इंस्टाग्राम हैंडल तो अभी बनाए नहीं है पर हमारा बनाने का विचार है, वो भी जल्द ही आ जाएगा। तो सोशल मीडिया पे अब क्रांति टीम भी काफी एक्टिव होने वाली है, हम चाहते हैं कि हमारा जो भी कार्य हो रहा है वो अभी नेक्स्ट लेवल तक जाए, कॉमन हिंदू तक भी पहुंचे। कॉमन हिंदू तक पहुंचने का जो माध्यम है, जो आपने इस तरीके से शो जो चालू किया है उसको दोस्तों देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, और जो लोग हैं युवा जो जुड़े हुए हैं क्रांति युद्ध से वो शेयर जरूर करें, कम से कम 10 शेयर आप जो क्रांति जो अपने हिंदुत्ववादी ग्रुपों से जुड़े हुए हैं उन तक भी शेयर करके आप अपनी जवाबदारी निभाएं, जिससे कि हम उन तक इस पैनल से जुड़ सके। और जो अपनी विचारधारा है क्रांति युद्ध में, देखिए आप जितना भी कंटेंट देख लीजिए चैनल में, हमेशा संतों के पक्ष में खड़े रहने के कंटेंट पड़े हुए हैं, कई बार हमने कई सवालों के जवाब दिए हैं, पहले से देते चले आए हैं कि हमने हर षड्यंत्र के हर पहलू को आपके सामने रखा है। तो जिस इस कंटेंट को भी हमको समाज तक पहुंचाना होगा,
कंटेंट बनते जाएं वो सर्कल में घूमते जाएं, बस आप शेयर कर दो उसको उस अपने गुरु भाई को या फिर अपने अपने जो शिष्य में आते हैं उस भाइयों को, वो उनको शेयर करते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी है, बाहर की बॉडी है, जो अपने आप को चश्मा लगा के बैठे हैं सेकुलर बात का, अपने आप में सोचे हैं कि ये तो गुरु शिष्य का मैटर है, संतासाराम जी बाबू का, हमारे उनको क्या लेना देना, वो बहुत 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 बड़े धोखे में है और आने वाले समय में उनको बहुत नुकसान भोगना पड़ेगा इन तमाम चीजों का। तो सार मतलब यही है कि कंटेंट अपने अपने ग्रुपों में नहीं घूमता रहे, बाहर लोगों में भी जाए, तभी जाए और बाहर में कंटेंट जाए। तो कई बार हमसे ना कुछ लोग बोलते हैं कि रूपे भाई कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ, न्यूट्रल कंटेंट बनाओ, जिससे कि हम बाहर के लोगों को भी हम एक पैनल दे सके, वो लोग हमारे चैनल में इंटरेस्ट से जुड़ सके, कि आप लोग कुछ हिंदुत्ववादी मुद्दों में भी बड़े पैमाने में काम करते हैं, तो इसीलिए हम इस टाइप के कंटेंट बनाकर आपको हम देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप आसानी से शेयर कर सके। तो दोस्तों हमारा इस टाइप का कंटेंट और हमेशा इसमें भी बड़े नए नए रूप आते रहेंगे और जिस तरीके से इनोवेशन करते रहेंगे। आज कुल मिला के व्यक्ति डिपेंड नहीं करता, आज वो हिंदू है कल दूसरे को जुड़ेंगे, आप में से भी कई लोग हमें चाहे तो हमें आप स्क्रिप्ट लिख के भेज सकते हैं, ऐसा कोई आपका आइडिया हो हम ट्राई करेंगे। कुछ आइडिया हो थोड़ा आप लोग स्क्रिप्ट में आपको ध्यान दें, कई लोग मुझे फोन पे भी रुपेश भाई को भी बोलते हैं कि ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट बनाए, तो आप लोग स्क्रिप्ट अगर लिखे तो छोटा लिखे, कुल मिला के 5 से 10 मिनट का ही लिखे, क्योंकि फिलहाल क्या है कि हमारे चैनल में इस तरह का कंटेंट का ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा, वो यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से है। जैसे इस तरह के कंटेंट ज्यादा बनेगा तो हमारे व्यूज बढ़ेंगे और व्यूज बढ़ेंगे तो फिर हमारा कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो हम ज्यादा लंबा कंटेंट अभी बनाना नहीं चाहते हैं, उसमें मेहनत ज्यादा है आउटपुट कम आ रहा है, तो छोटे दीजिए शॉर्ट एंड स्मार्ट, जैसे ट्विटर होता है वेरी शॉर्ट एंड स्मार्ट स्क्रिप्ट दीजिए, तो हम जरूर उस पर कोशिश करेंगे कि उसको हम अपने चैनल पे उसका कुछ कंटेंट बनाए, और आप चाहे तो आपका नाम भी हम लेंगे कि भाई ये स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा है, वी विल डेडिकेट टू यू, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सहायता करेगा, आप हमसे संपर्क कर पाए तो उसके लिए जरूर जुड़े हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। जी तो अपनी अब डिबेट क्या, हाँ अभी क्या लगता है, सवाल पूरे काफी हो गया है, कम से कम 40 मिनट हमने हम लोग आप लोगों का ले चुके हैं। तो दोस्तों कुछ मैं आपको आश्वासन दिला दूं क्रांति टीम की तरफ से, मैं काफी लोग मेरे को अपेक्षाएं रखते हैं, हम आने वाले समय में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, संतासाराम जी बापू को क्यों और किस तरीके से धराशायी किया गया, कब से प्लानिंग चल रही थी, कौन कौन लोग इस प्लानिंग में थे, हेलीकॉप्टर कांड हुआ तो भी उसके पीछे का राज क्या था, संतासाराम जी बापू को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे धराशाही किया गया, जो संत इस तरीके का काम करते हैं उनको कैसे सिस्टमेटिक तरीके से धराशाही किया जाता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इन तमाम चीजों का एक नया चेहरा हम आप तक लाएंगे और उस पर हम पूरा काम कर रहे हैं और सिस्टमेटिक तरीके से छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से हम आपको जागृत करते रहेंगे। दोस्तों जो लोग हमसे अपेक्षाएं रखते हैं, हम उनकी अपेक्षाओं में सवाल जवाब के साथ दृढ़तापूर्वक खड़े रहेंगे, आपके सवालों का जवाब मिलेगा, जवाब आपको मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, हमारे क्रांति योद्धाओं से अपेक्षा करते हैं और वो लोग हमसे अपेक्षाएं करते हैं, यही समन्वय हमको आपसे जोड़कर रखती है। तो आज के शो में जो हमारे सवाल जवाब चले, काफी कुछ तर्क निकले, तो दोस्तों हम जो हमारे भोग बाबू जी है आज के शो का एंकर मैं हूँ, आप ये गलत कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, जी जी आज के शो के एंकर ये है, तो तो दोस्तों अभी रुपेश भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ा पक्षपात किया है, आपने बहुत बड़ा न्याय किया है, तो मैं ज्यादा इसको डिबेट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा और हम ऐसे ही चैनल फीडबैक के लिए आपके साथ जल्दी जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है, क्रांति युद्ध के जो मेन जो लोग हैं वो आप ही लोग हैं, हमारे व्यूअर्स ही हैं जो आप हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं, आपके बल पे ही क्रांति युद्ध है, तो है क्योंकि हमारी क्या औकात है ना। तो कुल मिला के हम जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए क्या बोलूं, सेक्युलर वाइजन स्टाइल आदाब आमीन हाय, क्योंकि ये सेक्युलर नहीं है, हाय जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, चलिए नमस्कार, राम राम।